तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले के CIA 2 से, जहां पर आपको जानकारी देना चाहेंगे कि 23 वर्षीय युवक का शव खेतों से बरामद होता है। जी हां, ऊंचा समाना का ये मामला बताया जा रहा था। 23 वर्षीय युवक का जो शव है, सुमित नामक युवक का शव खेतों से बरामद होता है। आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि सुमित के शरीर पर काफी नुकीली चीजों से एक वार जो है जरूर किया गया था, और उसी के संदर्भ में आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से करनाल पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी जरूर हासिल की है। आप ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, तीन आरोपियों को करनाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य कर लीजिएगा। हरियाणा के करनाल जिले की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और इस संदर्भ में CIA 2 के जो इंचार्ज हैं वो क्या कहते हैं, सुनिए। ये 20 तारीख को हमें सूचना मिली थी सुबह सुबह कि खेतों में एक लाश पड़ी है ऊंचा समाणा गांव में, और उसके बाद फिर हम मौके पे गए थे। मौके पे FSL टीम और वो सारी आई थी। उसके बाद हमें पता लगा था कि 2-3 दिन पहले इनका कोई झगड़ा हुआ था गांव के लड़कों से ही, तो उसमें 2 लड़के तो ये ऊंचा समाणा के ही हैं, ऊंचा समाणा गाँव के, और एक लड़का है इनके दोस्त है खेड़ी नरू से। तो इन तीनों ने मिल के इसकी हत्या की थी, और इसकी तफ्तीश के दौरान हमने इनको तीनों लड़कों को गिरफ्तार किया। एक लड़के को हमने कल ही गिरफ्तार कर लिया था जो मेन अक्यूज्ड है इसमें, यहीं ऊंचा समाणा गांव का है, और इसका नाम अर्जुन है। अर्जुन ने बताया पूछताछ पे कि इसकी करीब एक साल पहले इनका झगड़ा हुआ था मरने वाले सुमित से, और अर्जुन था तो अर्जुन के मन में वही रंजिश थी, और करीब एक हफ्ता पहले ये इस काम के लिए, इसकी हत्या करने के लिए असला लेने गया था। बनारस से ये असला लेके आया था, जो सिवान का रहने वाला है एक बिहारी आदमी, उसने इनको असला दिया था, और उसके बाद ले आके उसने असले को गांव के शमशान घाट में छुपा दिया था। और दिनांक 20 तारीख को जब इसने देखा कि सुमित गांव में ही घूम रहा है, तो उसने उसको फ़ोन करके अपने दूसरे दोस्त को भी बुला लिया जो कोक्की है, संदीप उर्फ कोक्की। इन दोनों ने सलाह बनाई कि आज सही मौका है। फिर इनका तीसरा दोस्त भी वहीं आ गया, और तीनों ने पहले एक इनके गाँव में लेबर पड़ी है बिहारी, अपने गन पॉइंट पे लेके उसका फ़ोन छीना, फ़ोन से फिर उन्होंने उसको फ़ोन किया, बुलाया अभी ताकि अपना फ़ोन भी आइडेंटिफाई ना हो। उसके बाद जब ये तीनों वो भी आ गया, तो मोटरसाइकिल पे बिठा के खेतों की तरफ ले गए, और वहाँ खेतों में जाके उसके मारपीट शुरू कर दी, और मारपीट में इसने अपना जो अर्जुन है अपनी जेब से निकाल के उस देसी पिस्तौल से उसको फायर कर दिया, और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। नहीं, वो गोली मार के इसकी हत्या की गई है, क्योंकि उसकी शरीर पे जो पंक्चर्ड वाउंड लग रहा था, लेकिन वो साथ में जला हुआ भी था। बाद में फिर पोस्टमार्टम में वो गोली सिक्का भी हमें बरामद हो गया। पुरानी रंजिश थी सर? बिल्कुल, एक साल पहले इनका झगड़ा हुआ था जो इन्होंने बताया है, और उसी रंजिश के तहत इसने इसका मर्डर किया। हथियार बरामद किए हैं? अभी इनको रिमांड पे लिया जाएगा, हथियार बरामद किया जाएगा, जिससे हथियार लेके आया उसको भी, जो इसका दोस्त इसके साथ गया था सुमित नाम का लड़का है पानीपत का, उसको भी, और जिस बाइक पे ये मौका से भागे हैं उनको सभी को बरामद किया जाएगा। दो ऊंचा समाना के हैं, और तीसरा एक खेड़ी नरू से है। नहीं, इनका झगड़ा था गाँव में, क्योंकि एक लड़का जो अर्जुन है इसके खिलाफ पहले भी 379B का एक्सीडेंट का, मारपीट के और कई मुकदमे दर्ज हैं, क्योंकि जो व्हीकल अपना टोल बचाने के लिए ऊंचा समाणा से जो होके गुजरते हैं, ये उनसे ट्रक ड्राइवरों से मारपीट करके उनसे पैसे भी छीनते हैं, वही इसके खिलाफ एक मुकदमा है जो पेंडिंग है, अभी चल रहा है। पहले भी जेल में रह चुके हैं ये तीनों आरोपी। एक अर्जुन है अनुराग उर्फ अर्जुन, दूसरा संदीप उर्फ कोक्की, जो दोनों ऊंचा समाणा से, और तीसरा जो तन्नी है रविंदर उर्फ तन्नी, वो खेड़ी नरू से है। हाँ, इन तीनों ने शराब पी हुई थी इससे पहले, इन्होंने शराब पी थी, और शराब पीने के बाद इन्होंने फिर इकट्ठे होकर सलाह करी कि आज सही मौका है। मृतक सुमित का पहले सरपंच के साथ भी काफी समय पहले विवाद हुआ था, जेल भी गया था, वो बता रहे हैं। मृतक सुमित का भी सरपंच के साथ भी हुआ था झगड़ा, और इसके साथ भी हुआ था अर्जुन के साथ भी, बिल्कुल, वो भी पहले जेल में रहा है, और ये लड़के भी जेल में रहे। क्या काम करता था, क्या उम्र थी मृतक की? मृतक की करीब 20-21 साल उम्र थी। रिमांड पे लिया, वो कहीं सुनार की दुकान पे नौकरी करता था करनाल में। अब इनका रिमांड पे लिया जाएगा कोर्ट में पेश करके, और रिमांड के दौरान ये सारी चीजें रिकवर की जाएंगी, और जो भी खुलासा है वो उसके बाद किया। कोई तीन के अलावा कोई और भी इसमें? फिलहाल तीन की इन्वॉल्वमेंट हमें मिली है। रिमांड के दौरान जो भी नई चीज सामने आएगी वो सभी। क्या कुछ बरामद भी हुआ सर? जो पानीपत का लड़का है सुमित है लड़का साहिल, जो इसके साथ बनारस गया था जहाँ से वेपन लेके आए, कुछ बरामद भी हुआ सर? नहीं, फिलहाल नहीं, रिमांड के दौरान इनसे सारी चीजें बरामद की जाएगी।